हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा सीटी सेल्स रिलेटेड। तो आगे की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आ चुकी है, ये एक्चुअली कल ही आ चुकी थी, बट मैं कल थोड़ा बिजी था इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो आज मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है महाराष्ट्र की और ऑल इंडिया कैंडिडेट की भी, तो आप दोनों में अपना नाम चेक कर सकते हैं, आप जिसमें भी बिलोंग करते हैं। मेरा नाम महाराष्ट्र लिस्ट में आ चुका है और मेरा अलॉटमेंट जो है वो वीवा कॉलेज में हुआ है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे भी उसी कॉलेज को रखा था, तो मेरा अलॉटमेंट हो चुका है और मैं वहाँ पर जाके सारी एडमिशन की प्रोसेस भी करके आ चुका हूँ आज सुबह ही। तो मैं उससे रिलेटेड भी जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिया है, आपका नाम दिया है, आपका कैटेगरी जिसमें अपना मतलब एससी एससी ओबीसी जो भी है वो यहाँ पर आएगा, और उसके बाद चॉइस कोड जो कॉलेजेस आपने सिलेक्ट किए हैं उसमें से जो भी आपको अलॉट हुआ है उसका चॉइस कोड और उसका नाम, उसके बाद लोकेशन दिया हुआ है, उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है कोटा, मतलब कौन से कोटा में आपका एडमिशन हुआ। तो ये आप चेक कर लीजिए इसमें। अगर आपको यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है चॉइस नॉट अवेलेबल, तो इसका मतलब ये है कि आपका अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप सेकेंड राउंड के लिए वेट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आप लॉगिन में जाएंगे ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। तो लॉगिन हो जाने के बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे, और होम पेज से ही थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस आपको दिखेगा, तो ये वाली जो लिंक है वो न्यू लिंक है, और ये उन लोगों को ही दिखेगी जिनको अलॉट हो चुका है कॉलेज। अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है तो आपको ये नहीं दिखेगी। ये होने के बाद आपको इसी पेज पे एक फ्रीज का ऑप्शन आएगा, मैं आपको मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है वो ऐड करके दिखा देता हूँ। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर जो फ्रीज दिखा हुआ है वो उस पर क्लिक करके और नीचे कंफर्मेशन पे टिक करके आप फ्रीज कर सकते हैं अपनी सीट। ये एक बार फ्रीज़ हो जाए उसके बाद चेंज नहीं होगा। अगर आपको ये छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, अगर आपको आपके मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है तो, ठीक है। और उसके बाद आप फ्रीज़ कर लेंगे, उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा जहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ पे करना होगा, तो वो 1000 रुपीज़ पे कर लीजिए आप और आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा। उसकी बात की जो प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो वो होने के बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा, आपको ये अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करना है आपको, और ये जो लेटर है ना उसकी आपको प्रिंट निकाल के ले लेनी है। ये लेटर आपको मिलेगा, इसकी प्रिंट निकाल के आपको इसकी कॉपी ले लेनी है, जो कि आपको कॉलेज में सबमिट करनी होगी जब आप जाएंगे वहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए। तो ये हो जाने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की मैं लिस्ट है वो आपको दे देता हूँ, जो मुझे लगी थी मैं वो बता रहा हूँ। सब कॉलेजेस के अलग अलग हो सकते हैं, आई थिंक ऐसा मोस्टली तो नहीं होगा क्योंकि सीटी सेल का ही है, तो सारे जगह पे एक ही डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, बट कास्ट वाइज कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ यहाँ पर, आप उसको चेकआउट कर लीजिए, वो सारी लिस्ट की आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसके दो या तीन सेट आप साथ में जेरोक्स मार के पूरा सेट वहाँ पर लेके जाइए, दो फोटोग्राफ्स लेके जाइए, और आप वहाँ पर जाके जो भी फीस आपको बताएंगे कॉलेज में वो फीस पे करके आप अपना कन्फर्मेशन कर लीजिए। जिनका एडमिशन आज हो चुका है, मतलब अलॉटमेंट हो चुका है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा मैं, और जिनका नहीं हुआ है उनको भी ऑल द बेस्ट नेक्स्ट राउंड के लिए। तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए अच्छे से वापस ट्राई करिए। एक बार मैं आपको जो हमारा शेड्यूल है उसमें जाके दिखा देता हूँ। तो अब तक हमारी प्रोसेस ये कैप राउंड वन का जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आ चुका है, उसके बाद आपको जो कन्फर्मेशन करना था उसकी डेट हम देख लेते एक बार। 26, 27, 28 और 31 दिया हुआ है 11 बजे से 5 बजे तक, तो इस टाइम पे जाके आप वहाँ पर अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है उतना जल्दी जाके करिए, आपके लिए बेटर रहेगा, लास्ट डे के लिए मत रुकना।
मैं आज जाके सब करा के आ चुका हूँ। इसके बाद की प्रोसेस मैं बता देता हूँ, जो सेकेंड राउंड वाले हैं उनके लिए बताता हूँ। तो जो डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स है, मतलब ये कंफर्मेशन जितने लोग करेंगे उसके बाद जो वैकेंट सीट्स बचेगी उनके लिए 2 अगस्त तक टाइम है। तो आप तब तक सोच समझ के रखिए कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट करना, आपको कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है। तो वो सिलेक्शन होगा आपका 3 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक, ऑप्शन फॉर्म 2 निकलेगा। तब आपको वापस से ऑप्शन फॉर्म भरना है जैसे हमने फर्स्ट में किया था। उसके बाद जो सेकंड राउंड की जो लिस्ट है वो आपको लगेगी 8 तारीख को। फिर सेम प्रोसेस जो अब अभी चल रही है फ़िलहाल वो आपको वहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। इससे रिलेटेड आपको अपडेट्स मैं धीरे धीरे देता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और कुछ डाउट्स हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।